गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल गुड एंड डूइंग वेल. सो लास्ट क्लास में हमारा 11th लेसन जो है वाई डू वी फॉल इन, ये कम्प्लीट कर दिए. हमारा 8th क्लास का बायोलॉजी पोर्शन कम्प्लीट हो गया. तो आज की क्लास में हम आपके पार्ट वन एग्ज़ाम्स के बारे में बात करेंगे. तो 8th क्लास पार्ट वन एग्ज़ाम्स आप लोगों के बायोलॉजी का 1 फरवरी से 3 फरवरी तक आप लोगों को पार्ट वन एग्ज़ाम्स है, ठीक है ना. 1 फरवरी से 3 फरवरी तक पार्ट वन एग्ज़ाम्स है बायोलॉजी में. आपकी टॉपिक है पार्ट वन के लिए, आपका क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म्स एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड, एंडेमिक, गिव एग्जाम्पल्स. ये आप लोगों का क्वेश्चन है पार्ट वन में. आप लोगों को आने वाला क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म्स एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड, एंडेमिक, गिव एग्जाम्पल्स. ये टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 98 6th लेसन का क्वेश्चन नंबर 3 है. ये क्वेश्चन कहाँ है, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 98 में, 6th लेसन पेज नंबर 98 3rd क्वेश्चन ये क्वेश्चन है. तो आप लोगों को पार्ट वन एग्जाम के लिए कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, ये क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म्स एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड और एंडेमिक. ये क्वेश्चन आप लोगों को पार्ट वन के लिए पढ़ना है. समझ में आया यहाँ तक. 8th क्लास बायोलॉजी आप लोगों को पार्ट वन एग्जाम्स कब से है, 1 फरवरी से 3 फरवरी तक है. और आपके पार्ट वन की टॉपिक क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म्स एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड, एंडेमिक. ये आप लोगों का क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन कहाँ है, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 98 6th लेसन क्वेश्चन नंबर 3 है. ये 3rd क्वेश्चन है, ये आप लोग गाइड में भी रहता, निकाल के पढ़ो. नेक्स्ट, नोट्स आप लोगों को कहाँ तक कंप्लीट करना है, 11th लेसन तक, वाई डू वी फॉल इल तक आप लोगों को नोट्स कंप्लीट करना है. मैं ऑलरेडी आप लोगों को बहुत टाइम दे दी. नोट्स सबके 1 फरवरी से पहले सबके नोट्स कंप्लीट रहना. अगर 1 फरवरी से पहले आप लोगों के नोट्स कंप्लीट नहीं हुए तो स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ मैं, सबको जीरोस डाल के छोड़ देती हूँ. समझ में आ रहा, नेक्स्ट ईयर आप लोगों को प्रमोट भी होने नहीं देती मैं. कोई भी प्रमोट नहीं होते बिना लिखे एग्जाम्स, कोई भी प्रमोट नहीं हो रहे. तो नोट्स के लिए आप लोगों को 1 फरवरी से पहले आप लोगों को नोट्स कंप्लीट करना है. और बायोलॉजी के कहाँ तक कंप्लीट करना है, 11th लेसन वाई डू वी फॉल इल तक कंप्लीट करना है. प्रोजेक्ट्स आप लोगों को प्रोजेक्ट्स भी बोल दिए थे स्कूल में रहे तक, आप लोगों को प्रोजेक्ट्स भी 1 फरवरी से पहले कंप्लीट करना है. सब सब्जेक्ट्स के प्रोजेक्ट्स कब तक कंप्लीट करना है, 1 फरवरी से पहले आप लोगों को प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है. फिर 1 फरवरी से क्या है, पार्ट वन एग्जाम्स है. 1 फरवरी से 3 फरवरी तक पार्ट वन एग्जाम्स है. ये आप लोगों के पार्ट वन की टॉपिक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म्स एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड, एंडेमिक, गिव एग्जाम्पल्स. ये क्वेश्चन कहाँ पे है, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 98 6th लेसन का क्वेश्चन है. ये कौन सा क्वेश्चन है, 3rd क्वेश्चन, आप लोग की गाइड में रहता, आप लोग पढ़ के स्कूल को आना एग्जाम लिखने. नोट्स कहाँ तक कंप्लीट कर रहना, 11th लेसन तक कंप्लीट रहना, वाई डू वी फॉल इल तक. और प्रोजेक्ट्स भी आप लोगों को क्लास में बोल दिए थे, सब लोग अपने अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके आना, 1 फरवरी से पहले आप लोगों के प्रोजेक्ट्स भी हो जाना. नेक्स्ट, FA2 का पार्ट 4 पोर्शन क्या है, मैं आप लोगों को स्कूल में रहता किस बोली, पोर्शन क्या है, एज ऑफ अडोलेसेंस बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन. एज ऑफ अडोलेसेंस बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ठीक है ना. एज ऑफ अडोलेसेंस बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन पार्ट फोर का पोर्शन क्या है, FA2 का पोर्शन क्या है पार्ट फोर का, एज ऑफ अडोलेसेंस बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन. ये 2 लेसन्स इच दी मैं, ये 2 लेसन्स में आप लोगों को पढ़ के आना है. पार्ट फोर एग्जाम्स कब से है, 14th फरवरी से पार्ट फोर एग्जाम्स है. 14th फरवरी से पार्ट फोर एग्जाम्स है. 1 फरवरी से 3 फरवरी तक पार्ट वन है. ये आप लोगों के पार्ट वन का क्वेश्चन है. ये टेक्स्ट बुक पेज नंबर 98 6th लेसन का क्वेश्चन नंबर 3 है. ये गाइड में भी रहता, ये पढ़ के लिखना. नोट्स भी 11th लेसन तक कंप्लीट रहना, प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट रहना. और 5th और 6th लेसन आप लोगों का FA2 का पोर्शन है. समझ में आया यहाँ तक, ठीक है ना. कुछ भी डाउट्स है तो मेरे से पूछो. और ये क्वेश्चन कंपलसरी पढ़ के आना, तो इच आप लोगों को एग्ज़ाम रहता, एग्ज़ाम लिखे तो इच पास होते, ठीक है ना. थैंक यू.